दोस्तों, विद्यार्थी के जीवन में दो प्रकार की उत्प्रेरक होती है। एक बार जब मैं CPMT की परीक्षा देकर उसका रिजल्ट देखने के लिए जा रहा था, तभी जब रिजल्ट देखा तो मैं उसमें उत्तीर्ण नहीं हो सका। तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे आकर के कहा, बस स्टैंड पर जाकर के चाय की दुकान खोल ले, ये CPMT की परीक्षा पास करना तेरे बस की बात नहीं है। उसके ये शब्द सुन करके मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि मेरे लिए ज़िंदगी बस यहीं पर ख़त्म, कहीं छुप कर जाके बैठ जाऊँ जहाँ मुझे कोई देख ना पाए। मैं एक बेंच पर जाकर के अकेला बैठ गया। तभी मेरे एक दूसरे मित्र ने आकर के मुझसे कहा, चल उठ, खड़ा, हिम्मत कर, हुंकार भर। हिरन कौन सा घी पीता है, लेकिन घोड़ों से आगे आता है। इनमें एक था दुष्प्रेरक और दूसरा था उत्प्रेरक। दुष्प्रेरक की ना कभी बात सुनो, ना ही ऐसे लोगों से कभी प्रभावित हो, और ना ही ऐसे लोगों के कभी शिकार बनो। हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश मत करो। एक बार एक दुकानदार अपनी दुकान बंद कर रहा था, तभी एक कुत्ता उसके पास आकर के खड़ा हो गया। कुत्ते की गर्दन में एक थैला था। उस थैले को दुकानदार ने देखा और थैला लिया, उसको खोलकर देखा तो उसके अंदर एक पर्ची थी, कुछ पैसे थे। दुकानदार ने उस पर्चे को देखा, उसमें कुछ सामान की लिस्ट लिखा हुआ था। उसने दुकानदार ने उस पर्ची में लिखा हुआ सामान जैसा था वो सब लेकर के उस दुकान में रख दिया, और उसमें से जितने पैसे उसको ज़रूरत थी उतने उसने ले लिए और बाकी के उसी में रख दिए। दुकानदार बड़ा अचंभित था। वो सोच रहा था कि इतना समझदार कुत्ता किस व्यक्ति का है, उस व्यक्ति से मिलना चाहिए। दुकानदार अपने आप को रोक न सका। दुकानदार उसको थैला कुत्ते को दिया और अपनी दुकान जल्दी से बंद की और कुत्ते के पीछे पीछे चल दिया। कुत्ता आगे जाकर के कुछ दूर एक जगह सड़क के किनारे रुक गया। तभी एक बस आई, कुत्ता उसमें चढ़ गया, दुकानदार भी पीछे पीछे चढ़ गया। कुत्ता बस के अंदर धीमे धीमे आगे बढ़ा। कुत्ता कंडक्टर के पास खड़ा हो गया और उसने अपने हाथ के इशारे से कंडक्टर को छुआ और अपनी पूंछ हिलाई और कुछ इशारा किया। कंडक्टर उसकी बात समझ गया। कंडक्टर ने उस थैले से पैसे निकाले और उसको एक टिकट दे दी और कंडक्टर बैठ गया। तभी थोड़ी दूर बस चली, बस को रोकने का कुछ इशारा किया जो कंडक्टर समझ गया, और कंडक्टर ने बस को रुकवा दिया। कुत्ता वहीं उतर गया, दुकानदार भी वहीं उतर गया। कुत्ता आगे आगे, दुकानदार पीछे पीछे। कुत्ता कुछ दूर आगे चला, एक घर में घुस गया। दुकानदार भी उसके पीछे पीछे घर में घुस गया। कुत्ते ने अपने पंजे से दरवाजे की कुंडी खटखटाई, उसमें से कोई आवाज़ नहीं आई। कुत्ता थोड़ा सा भौंका, फिर भी आवाज़ नहीं आई। कुत्ते ने फिर दोबारा कुंडी खटखटाई, अंदर से दरवाज़ा खुला, मालिक बाहर निकला। मालिक के हाथ में छड़ी थी और छड़ी से कुत्ते की पिटाई कर दी। दुकानदार ये देखकर बड़ा अचंभित था कि आखिर इस कुत्ते की पिटाई क्यों कर दी इसने। दुकानदार दूर से देख रहा था। मालिक उस पर चिल्लाया और बोला, चाबी के लेके नहीं जा सकता था, मेरी नींद खराब कर दी, गधा कहीं का। दोस्तों, जीवन की सच्चाई यही है, लोगों की अपेक्षाएं हमसे कभी खत्म नहीं होंगी।
उनका कभी अंत नहीं होगा, उनकी अपेक्षा हमेशा बढ़ती ही रहेंगी और हमारे द्वारा की गई जितनी भी अच्छाई हैं उन्हें भी एक मिनट में भुला देंगे अगर हमसे एक जरा सी भी चूक हुई तो। इसलिए अपना कर्तव्य का पालन करो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। माँ जी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार कम मगर उस पार बहुत हैं। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। यदि आपने निश्चय कर ही लिया है कि कठिन राहों पर आपको चलना ही है, चाहे कितनी भी परेशानियां कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, जब आपको लगे कि जलेबी की तरह आप उसमें उलझ गए हैं, तो फिर क्यों ना ही चाशनी में डूबकर जिंदगी का मजा लिया जाए। मेरा कहने का मतलब है कि अपनी मेहनत को सफलता के मुकाम तक पहुंचाओ, अपने संबंध खुद बनिए, अपनी तारीफ खुद करिए, क्योंकि बुराई करने के लिए जमाना बैठा है। जिन लोगों की नजरों में बुरे हैं आप, कह दो उनसे कि भी अपने नेत्र दान कर सकती हैं। अपने प्रवेश में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश करने दो जो विचारात्मक हों, बोधात्मक हों, सकारात्मक हों और भी आपको सही दिशा देने योग्य हों। अन्यथा आपके मस्तिष्क में द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध के इतने रासायनिक दुष्प्रभाव दिखाई देने लगेंगे जो आपकी सोने की थाली में पीतल के टांकों जैसे अशोभनीय लगेंगे। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और अच्छी आदतें आपका भविष्य बदल सकती हैं। इन चार सिद्धांतों का पालन करके आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। महान लक्ष्य चुनो, दृढ़ संकल्प करो, उसके लिए ज्ञान अर्जित करो और उसे पाने के लिए मेहनत की सीमा को पार कर जाओ। इससे आप जीवन का कोई भी बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।